स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑल इन वन टीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। शिक्षकों की जो सक्षमताधारी शिक्षक हैं, जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 1 अगस्त यानी कि कल से शुरुआत की जा चुकी है शिक्षा विभाग के द्वारा, और उसी काउंसलिंग में दस्तावेज का जो सत्यापन किया जा रहा है उसमें बहुत ही बड़ी शिक्षकों की दस्तावेज में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं संबंधित सूचना को। उससे पहले जो इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं संबंधित सूचना को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डाटा मिसमैच और OTP नहीं आने से 5 शिक्षकों को नहीं हो सकी काउंसलिंग, पेंडिंग सूची में डाला गया। बिलान में कुछ शिक्षक के दस्तावेज पर संदेह। 150 शिक्षकों के पहले दिन 147 ने दर्ज कराई उपस्थिति, 142 शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। निबंधन परामर्श केंद्र में लगा है कैंप, आज 200 की होगी काउंसलिंग। आधार वाला मोबाइल नहीं लेकर आए कुछ शिक्षक, नहीं आ सका OTP। आप देख सकते हैं कि कई अभ्यर्थियों के कागजात में गड़बड़ी होगी जांच। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के उन दस्तावेजों को देखा जा रहा है जो परीक्षा फॉर्म भरने के समय अपलोड किया गया था पोर्टल पर। संबंधित कागजात का मिलान अभ्यर्थियों के मूल कागजात से किया जा रहा था। मिलान के दौरान कागजात तो वही थे जो अपलोड किए गए हैं थे, लेकिन कई अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में अलग अलग गड़बड़ी भी सामने आई। हालांकि ऐसे सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई, लेकिन जिनके कागजात में प्रथम दृष्टया कुछ गड़बड़ी दिखी उनका नाम अलग सूची में डालकर विभाग को भेजा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 142 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। अगर किसी के प्रमाण पत्र में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच विभाग स्तर पर की जाएगी। तो आप देख सकते हैं पूरा मामला शिक्षकों से जुड़ी हुई दस्तावेज का है, और मिलान में कुछ शिक्षक के दस्तावेज जो है वो संदेह के घेरे में है, और जिनकी अलग ही सूची में डालकर शिक्षा विभाग को भेजी गई है और इन पे जांच कमेटी बैठाई जाएगी और जाँच की जाएगी, कमेटी के द्वारा जाँच कराई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।